राजस्थान सरकार में दो गुटों के बीच सियासी उठापटक तेज हो गई है। गहलोत समर्थक और पायलट समर्थकों के बीच जो खींचतान शुरू थी, अब वही खींचतान पायलट समर्थकों के बीच भी शुरू हो गई है। इस बगावत की शुरुआत तब हुई जब पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर ने गहलोत की वर्चुअल मीटिंग में उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि 3 साल में 125 करोड़ रुपए की सड़क की स्वीकृति देकर गहलोत ने कायाकल्प किया है। इस दौरान प्रदेश के विकास और कोविड मैनेजमेंट को लेकर विधायक ने गहलोत को श्रेय दिया, लेकिन पायलट का नाम तक नहीं लिया। इस बात से पायलट समर्थक नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर गुर्जर ने दिन में आपसी बातचीत व इंटरनेट मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे नेता और मेरा अभिमान पायलट है, मैं साथ हूँ और रहूंगा। उन्होंने कहा कि पायलट की वजह से ही वो विधानसभा में पहुंचे हैं। राजनीति में मुझे स्थापित करने और मेरे बुरे वक्त में हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाले सचिन पायलट मेरे नेता और मार्गदर्शक हैं। किसी को भी इस सच पर शक करने की जरूरत नहीं है। पायलट समर्थक विधायक के ऐसे पलटी मारने से साफ है कि सचिन पायलट अब गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, क्योंकि पायलट की वापसी के बाद ना तो उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है और ना ही पार्टी में कोई पद मिला है। आपको बता दें कि राजस्थान में पायलट समर्थकों की दिली इच्छा है कि पायलट ही मुख्यमंत्री या कांग्रेस में एक अहम पद के हकदार हों, लेकिन गहलोत के रहते ऐसा होने से रहा, क्योंकि पार्टी हाईकमान को गहलोत के काम में वो विकास नजर आया है जिसे देखने के बाद किसी और को मुख्यमंत्री का पद सौंपना नामुमकिन होगा। लेकिन फिर भी इस मनमुटाव से राजस्थान की राजनीति में आए दिन भूचाल आता रहता है और जल्द खत्म होने की संभावना नहीं बन रही। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।